नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल रिदम वाणी। हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज दिशा हटवार और मैं एंकर और रिपोर्टर हूँ एक लोकल न्यूज चैनल में। और आज रिदम वाणी के यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ पे मैं आपकी जुड़े जितने भी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है या फिर एंकर बुक से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनका जवाब दूंगी। तो होपफुली आप ये सेशन एंजॉय करोगे। मैं BCN न्यूज़ जो चैनल है उसमें न्यूज़ एंकर रिपोर्टर के तौर पे काम करती हूँ। एंड आई सीरियसली लव बीइंग अ न्यूज़ एंकर एंड रिपोर्टर। और आगे सवाल ये पूछेंगे हमें जी, आपको एंकरिंग करने का सुझाव कैसे आया? एंकरिंग से पहले से ही बहुत लगाव है मुझे। लाइक व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड तभी से एंकरिंग, स्पीच, ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। एट में डिसाइड किया कि यार एंकरिंग करनी है। उसके बाद 12th क्लास आउट हुई एंड डिसाइडेड कि कुछ भी हो 18 के पहले जॉब लगनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय एंकरिंग वाली जर्नी। और अब आई एम 19 ईयर ओल्ड एंड वर्किंग एट BCN न्यूज़। एंकर हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अपने प्रोफेशन से जुड़ी हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो खुद को अच्छी लगती है वो कर रही हूँ। इट्स लाइक एंकरिंग पैशन है, जुनून है मेरा। सो दीदी, आपको कैसे कैसे स्ट्रगल करने पड़े एंकरिंग में जाने के लिए? टू बी हॉनेस्ट, एंकर बनने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। बट अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ उतनी फ्लुएंटली हो जाती है। मतलब मुझे भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस करे। मेरी हाइट कम है कहीं ना कहीं, तो उसके वजह से थोड़े से इश्यूज आए। बट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, व्हेन यू आर बोल्ड इनफ टू टॉक विद पीपल, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट हाँ, हो गया सारी चीज़ें। मतलब आपको बहुत स्ट्रगल है पर स्ट्रगल काफ़ी, इनफैक्ट मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है इससे कि अभी तो शुरुआत है। और मेरी जो सफ़र है उसको अभी तक जो मुकम्मल स्थान है वो मिलने का है। बट हाँ, होपफुली जल्दी हो ही जाएगा। बस ये शुरुआत है मेरी जर्नी की। सो दीदी, आपका करियर कैसे बनाओगे? आदत है कि करियर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है। और मैंने कहा जैसे कि ये मेरी शुरुआत है, मैं स्टार्टिंग से ही मेरे करियर के लिए कहीं ना कहीं पैशनेट हूँ एट एन वेरी स्मॉल एज। वैसे तो मुझे और पहले स्टार्ट करना चाहिए था आई गेस। शुरुआत कर दी है मैंने, आगे नेशनल लेवल पे जाने का सोचा है। खुद को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो दैट्स इट। कि मतलब करियर के लिए मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ। लाइक मुझे मेरा जो ड्रीम है उसे कंप्लीट करना है। एंकरिंग, रिपोर्टिंग या फिर मीडिया फील्ड से जुड़ना मुझे पहले से ही पसंद था, जो मैं करते आ रही हूँ। इसी में ऑब्वियसली करियर बनाना है। स्ट्रगल्स ऑब्वियसली बहुत सारे आने वाले हैं मुझे, बट आई एम डैम श्योर कि मैं उनको फेस करूँगी जैसे अब तक फेस करके आई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी जर्नी की शुरुआत है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें पाने की है। तो हाँ, कंटिन्यूस जर्नी है, एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एंकर ना बनते तो आपने कौन सा करियर चूज किया होता? यार ये ना काफ़ी हार्ड सवाल है। एंकर ना बनती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। बट हाँ, मुझे बाकी लाइक मेडिकल फील्ड में मुझे जाना था। अगर मैं एंकर नहीं बनती तो मैं मेडिकल फील्ड में जाती। बट एंकरिंग ही मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रेफरेंस था हमेशा। दीदी, अभी आपने सब कुछ तो बता दिया, अभी आप मुझे ये बताइए एंकर के साथ साथ आप अगर यूट्यूब पे भी आ गए तो आप क्या करोगे? तो मुझे YouTube पे मेरा चैनल क्रिएट करना है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें इन सारी फील्ड के बारे में बताऊँ। बट अभी तक मैंने सोच के नहीं रखा है। बट हाँ, लाइक जैसे ही मुझे मेरी सारी चीज़ों में मैं कंफर्ट जोन अपना देख लूँ उसके बाद मैं नई चीज़ें सीखूँगी। वैसे ही मैं यूट्यूब में भी मेरा कंटेंट लाना चाहती हूँ, मुझसे रिलेटेड, एंकरिंग फील्ड से रिलेटेड या फिर ब्लॉग्स। बहुत सारे मुझे लिखना पसंद है तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरा ड्रीम है कि हाँ, मुझे यूट्यूब पे आना है और लोगों को एक्सप्रेस करना है, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है। एंकरिंग करने के लिए काफ़ी मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी सिंपल है एंकरिंग। आपको एंकरिंग करने के लिए लोगों से बात करना ज़रूरी है, लोगों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आपके आजू बाजू जो चीज़ें हो रही हैं आपको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप एंकरिंग कर पाओगे। और अगर हम न्यूज़ एंकरिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो न्यूज़ एंकरिंग में आपका रीडिंग स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इनफैक्ट आपका जो कॉमन सेंस हम बोलते हैं वो स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, आप काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लाइव जाना पड़ता है एंड इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज और या फिर आपका वो जो सिक्स सेंस या फिर जो स्पॉन्टेनिटी है
अगर वो काम नहीं करती है तो यू कैन लाइक एक्ट स्मार्ट. तो उस टाइम पे यू शुड एक्ट स्मार्ट. काफ़ी थोड़े से स्मार्ट टाइप होने चाहिए आप, और नॉलेज होना चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें एंकरिंग की. एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सिंस ये मेरे अभी करियर का बस शुरुआती स्टेज है, मुझे एक साल से भी कम हुआ है एंकरिंग फील्ड में, बट अब तक मैंने पॉलिटिशियंस का भी इंटरव्यू लिया है, मैंने डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया है, मैंने बहुत सारे जो कलाकार होते हैं उनका इंटरव्यू लिया है. तो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग अब तक की जर्नी रही है, और आगे भी ऑब्वियसली जर्नी रहेगी. और अगर आप बात करें कि आपको लाइफ पे कैसे एक्टिव रहना है, तो यार जब आप लाइफ जाते हो ना, डर तो रहता है, बट इट्स जस्ट कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर, तो आप इजीली लाइफ जा सकते हैं. और जब आप लाइफ जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें टाइम पे आती है, वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हाँ वो हो जाता है, मतलब सीखते सीखते सारी चीज़ें हो जाती है. टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन, मतलब काफ़ी वास्ट फील्ड है मास कम्युनिकेशन. बहुत लोगों को लगता है कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद हम लोग सिर्फ वो पत्रकार बन के रह जाते हैं, बट नो डूड, मास कम्युनिकेशन में फोटोग्राफी आती है, वीडियोग्राफी आती है, सिनेमाटोग्राफी आती है, एडिटिंग आता है, लिखना आता है, जितनी सारी क्रिएटिव चीज़ें होती है मीडिया फील्ड से जुड़ी वो आती है. आप आर्टिंग कर सकते हो, और बहुत जितना सारा क्रिएटिव स्टफ होता है वो मास कम्युनिकेशन में होता है. एंड व्हेन यू एंटर इन मास कम्युनिकेशन, टू बी ऑनेस्ट, जब आप 3 साल कंप्लीट करके निकलते हो ना, आप बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते हो. आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, आपका नॉलेज जो है वास्ट होता है. तो जिन लोगों को अगर मास कम्युनिकेशन में जाना है, मैं उनको ये कहूँगी कि यार आप जैसे 12th आपका कंप्लीट होता है, पहले तो कोई अच्छा कॉलेज देखो जहाँ पे आपका BA मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है. 3 ईयर्स का ये कोर्स होता है. अभी फ़िलहाल मैं नागपुर से परस्यू कर रही हूँ, और जिन लोगों को नागपुर में परस्यू करना है, वहाँ पे BA का एक ही कॉलेज है, DNC कॉलेज, ये पूरे नागपुर में एक है BA ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए. फॉर MA ये 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर BA मास्टर्स की डिग्री, जो नागपुर में DNC और हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ पर है. बाहर जाओगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ भी है. तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन से कॉलेज में लेना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉलेज हमेशा अच्छा होना चाहिए, जहाँ से आप चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लोर कर सको, बहुत सारी चीज़ें सीख सको. और अगर आपको मास कम्युनिकेशन का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करना हो, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जहाँ पे थेरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आप काफ़ी ज़्यादा गेन कर सको, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको. अगर आप वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली थेरेटिक के साथ प्रैक्टिकली सिखाई जाए. वही अगर आपको एंकरिंग वगैरह भी बहुत पसंद है, तो आपको मतलब वहाँ पे स्टूडियो के साथ साथ ये थेरेटिकल जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए. तो इस तरीके से मास कम्युनिकेशन होता है. और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन में, तो यार करो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, करियर नहीं है वगैरह, बट मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि मास कम्युनिकेशन में एक वास्ट करियर है. अगर आप में वो पैशन है, तो यू कैन डू इट. एक अगर सच में आपको मास कम्युनिकेशन दिल से करना है, जैसे मुझे तो करना ही है, तो यू हैव करियर. और अगर वो चीज़ आपको करनी, तो कोई भी नहीं रोक सकता. और इसमें बहुत पैसा आएगा, इस सच में पैसा है. अगर पैसे की चीज़ जाना है, पैशन चीज़ चाहिए, इनफैक्ट हर किसी की नहीं होती है पैसा. थोड़ा स्टार्टिंग में कमाएगा, बट जब आप नाम कमा लोगे ना खुद का, टू बी ऑनेस्ट बॉस, सच में बहुत पैसा मिलेगा, सच में. बहुत लोगों को लगता है कि लाइक 10th और 12th की जो मार्क्स है वो मास कम्युनिकेशन वगैरह डिपेंड करते हैं, या फिर किस तरीके से मास कम्युनिकेशन में एंटर करना होता है. तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है, बहुत सारे कॉलेजेस का डिफर करता है. जैसे अभी जिस कॉलेज में मैं हूँ, वहाँ पे 12th में अबाउट 50% इज़ कंपल्शन, और 10th में भी इसलिए पास होने चाहिए आप, और उसके बाद वो कट ऑफ लिस्ट निकलती है, और उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नंबर लग गया, तो यू आर सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज, ऐसा होता है. बहुत कॉलेजेस का ऐसा भी है कि वहाँ पे आपको एक उनकी इंटरनल एग्ज़ाम होती है, वो पास आउट करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है. तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है. जिस आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपको उस तरीके की एडमिशन प्रोसेस मिल जाएगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. मुझे लगता है कि आपको ये सेशन अच्छा
अच्छा ही लगा होगा। और अगर आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके और भी कई सवाल हैं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स है जहाँ पे आप सारे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब हम देंगे।